हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने जिब्रेलिन के बारे में पढ़ा था, ऑक्सिन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे साइटोकाइनिन, एथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड के बारे में, जो आपके प्लांट हार्मोन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ साइटोकाइनिन हार्मोन। बेटा साइटोकाइनिन हार्मोन को मेनली किसके लिए जाना जाता है? सेल डिवीजन के लिए। ये चीज आप ध्यान रखना, सेल डिवीजन के लिए इसको मेनली जाना जाता है, ठीक है। साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो माइल्डली एल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर का होता है, जबकि आपके ऑक्सिन और जिप्रालिन कैसे थे? वीकली एसिडिक थे, ठीक है। और सिंथेटिक साइटोकाइनिन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिंथेटिक साइटोकाइनिन का नाम है काइनेटिन। ये सिंथेटिक साइटोकाइनिन्स में आता है। और नेचुरल साइटोकाइनिन की अगर हम बात करें, द फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन, तो वो है जिएट। काइनेटिन वैसे भी हमें मेनली एनिमल से मिलता है, प्लांट से नहीं मिलता है, प्लांट से हमें जिएटिन मिलता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इवन इनके अलावा प्योर एक्सट्रैक्ट की बजाय कोकोनट मिल्क जो है, इस एक्सट्रैक्ट जो है, और एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, इनमें भी हमें साइटोकाइनिन मिलता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है रीजन ऑफ सिंथेसिस, कि इनका रीजन ऑफ सिंथेसिस क्या है, कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। तो मेनली तो हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन वहाँ सिंथेसाइज होते हैं जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन होता है। यहाँ पे क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन होता है, जैसे कि फ्रूट्स, सीड्स, ये आपकी एनसीईआरटी का पॉइंट है, एंड रूट अपाइसिस, रूट के जो अपाइसिस होते हैं, एपेक्स होता है, ठीक है, उनमें सिंथेसाइज होता है, फ्रूट्स में, सीड्स में। एक तरीके से देखा जाए तो माइनर अमाउंट में, माइनर एक्सटेंट में, तो आपका जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, इट इज अकरिंग एट ऑल द प्लेसेस, सभी प्लेसेस पे मिलता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन मेनली ये वहां पे मिलता है, जो भी कोई पार्ट जो सेल डिवीजन करे, एट ऑल प्लेसेस वेयर सेल डिवीजन अकर, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, साइटोकाइनिन हार्मोन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे इसकी मूवमेंट होती है, ये मैं आपको बता दूं। तो जैसे कि रूट के अपाइसिस के ऊपर आपका साइटोकाइनिन हार्मोन सिंथेसाइज होता है, ठीक है, कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, रूट के अपेक्सिस के ऊपर, ठीक है। और वहां से फिर ये किसकी तरफ जाता है, शूट की तरफ, कैसे जाएगा, थ्रू जाइलम चैनल। तो इसकी मूवमेंट किसके थ्रू हो रही है, जाइलम चैनल के थ्रू हो रही है, ठीक है। और जैसे कि सीड्स की अगर हम बात करें, तो सीड्स में ये सिंथेसाइज होता है एंडोस्पर्म में, ये चीज आप ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका प्रिकर्सर। तो अगर हम इसके प्रिकर्सर की बात करें, तो साइटोकाइनिन का प्रिकर्सर होता है एडेनिन और एडिनोसाइन। एडेनिन तो क्या है बेटा, हमने पहले भी पढ़ा है, डिस्कस किया है, एडेनिन तो है नाइट्रोजिनस बेस, और अगर हम इस नाइट्रोजिनस बेस को राइबोज सुगर के साथ बाइंड करा दें, किसके साथ बाइंड करा दें, राइबोज सुगर के साथ, तो ये क्या बन जाता है बेटा, एडिनोसाइन, ठीक है। तो इसका प्रिकर्सर क्या होता है, एडेनिन या एडिनोसाइन, ठीक है। अब हम आते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर। तो सबसे पहला फंक्शन आता है मॉर्फोजेनेसिस। ये फंक्शन हमने क्यों लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअल में जब हम टिश्यू कल्चरिंग करते हैं, तो कभी भी ऑक्सिन या साइटोकाइनिन अकेला नहीं लिया जाता है, हम ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशियो की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों डिफरेंशिएशन के लिए चाहिए होते हैं। अब अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ऑक्सिन की, तब तो पहले किसकी फॉर्मेशन होती है, रूट्स की, दैट मीन्स उस टाइम पे रूट इनिशिएशन होता है,
ठीक है बेटा, जो आपका एक्सप्लैंट होता है जिसको हमने यूज किया है टिश्यू कल्चर के लिए, वो क्या करेगा, पहले उससे रूटिंग निकलेगी, रूट्स बनेगी। लेकिन अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन में साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो पहले वो शूट फॉर्मेशन कराता है, शूट इनिशिएशन करता है, पहले उसमें शूटिंग होंगी बाद में रूटिंग निकलेंगी। ध्यान देना, पहले किसी भी एक्सप्लांट से रूटिंग निकलेंगी या शूटिंग निकलेंगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो के ऊपर। अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पहले रूट की फॉर्मेशन होती है, और अगर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पहले शूट की फॉर्मेशन होती है। और अगर इंटरमीडिएट कंडीशन है तो इंटरमीडिएट कंडीशंस में ना तो रूट बनता है ना ही शूट बनता है, बल्कि कैलस फॉर्मेशन हो जाती है। और कैलस क्या होता है बेटा, हमने पहले भी डिस्कस किया है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जिसमें कोई ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हुआ है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये था मॉर्फोजेनेसिस, ये कराता है रूट निकलेंगे या शूट, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, इनका मेन फंक्शन तो हम बता ही चुके हैं कि ये सेल डिवीजन में होता है, इन्वॉल्व होता है। तो जब तक साइटोकाइनिन नहीं होगा तब तक सेल डिवीजन नहीं होगा, इसका मतलब इट इज एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के लिए क्या है बेटा, एसेंशियल है। ठीक है, दूसरा फंक्शन इसका आता है डिफरेंशिएशन। तो ये हमने कह रही लिया है कि ये किसके लिए चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज के लिए भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है प्रिवेंशन ऑफ सेनेसेंस। सेनेसेंस क्या होता है बेटा, एक्चुअल में सेनेसेंस होती है डेथ से जस्ट पहले वाली स्टेज। जब किसी पार्ट की डेथ होनी होती है तो वो पार्ट सेनेसेंट हो जाता है, प्लांट उस पार्ट में से कुछ मोबिलाइज न्यूट्रिएंट को विथड्रॉ करना शुरू कर देता है, तो वो जो स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेनेसेंस। तो ये क्या करता है बेटा, सेनेसेंस को प्रिवेंट करता है। अब सेनेसेंस प्रिवेंट होगी तो इससे क्या होगा, इट डिले एजिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, उन प्लांट ऑर्गन्स की एजिंग को डिले करेगा। क्यों, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा तो वो लंबे टाइम तक उनमें एजिंग नहीं आएगी, इंक्लूडिंग जैसे कि कट फ्लावर है, अगर हम किसी फ्लावर की कटिंग को, इंक्लूडिंग कट फ्लावर, हमें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो हम उसके ऊपर किसका स्प्रे कर सकते हैं, साइटोकाइनिन का स्प्रे कर सकते हैं, तो वो उसकी एजिंग को डिले करेगा। इवन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इनके केस में भी एजिंग को डिले करता है। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट फंक्शन। अगला आता है बेटा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। तो ये दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए भी चाहिए, तो ये भी चीज ध्यान रखना, दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है रेजिस्टेंस। तो साइटोकाइनिन जो है ना बेटा, ये प्लांट की रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, किसके लिए, डिजीज के लिए एंड टेम्परेचर एक्सट्रीम्स के लिए। दैट मीन्स हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर वाली कंडीशंस को प्लांट टॉलरेट कर सकता है अगर साइटोकाइनिन की सिंथेसिस उसमें हो रही है तो। ठीक है, तो ये प्लांट की रेजिस्टेंस बढ़ाता है डिजीज के लिए और टेम्परेचर एक्सट्रीम्स के लिए। नेक्स्ट आता है एपिकल डोमिनेंस, कि जो आपका साइटोकाइनिन हॉर्मोन होता है, इट कैन ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। अब एपिकल डोमिनेंस कौन कॉज करता था, ऑक्सिन हार्मोन, लेकिन ये उसको ओवरकम कर रहा है, दैट मीन्स इसके इफेक्ट को नलीफाई करेगा। इसका मतलब इस फंक्शन में जो आपका साइटोकाइनिन होता है ये किसके एंटागोनिस्ट एक्ट कर रहा है, एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट, किसके एंटागोनिस्ट एक्ट कर रहा है, आपके ऑक्सिन के एंटागोनिस्ट एक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सिन तो एपिकल डोमिनेंस कराता है और ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। एपिकल डोमिनेंस क्या होती है बेटा,
कि अगर शूट का टिप पार्ट प्रेजेंट है तो लेटरल बड की ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, या रिड्यूस हो जाती है। लेकिन ये क्या करता है बेटा, इट अलाउ स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बड्स, ये लेटरल बड्स की स्प्राउटिंग को अलाउ कर देता है। इसका मतलब ये किसके अगेंस्ट काम करता है, ऑक्सिन के अगेंस्ट काम करता है। डॉर्मेंसी में इसके रोल की अगर हम बात करें तो लाइक जिब्रेलिन की तरह ये भी क्या करता है बेटा, सीड एंड बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। बेटा ये पॉइंट ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चार हार्मोन में आपका आ रहा है, ये उसको ब्रेक डाउन करेगा। एब्सेसिक एसिड जो है वो तो सीड और बड डॉर्मेंसी कराता है, ठीक है, और जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन ये क्या करते हैं बेटा, सीड एंड बड डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करते हैं, या हम कह रहे हैं ओवरकम करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में। अब हम आते हैं इथाइलिन हार्मोन के बारे में। तो इथाइलिन हार्मोन इकलौता ऐसा हार्मोन है जो गैसियस नेचर का है, इसको हम कॉमनली राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसका प्रिकर्सर क्या है, इसका प्रिकर्सर है अमाइनो एसिड मिथियोनिन। कौन सा अमाइनो एसिड, मिथियोनिन, और मिथियोनिन की 3 लेटर एब्रीविएशन होती है बेटा मैट, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और अगर हम बात करें रीजन ऑफ सिंथेसिस की, ठीक है, तो इथाइलिन इज फॉर्म्ड बाय ऑल पार्ट्स, ये भी सभी पार्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। साइटोकाइनिन तो उन पार्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा था जो सेल डिवीजन कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये सभी पार्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम सिंथेसिस है वो कब होती है, इट्स मैक्सिमम सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स की राइपनिंग के दौरान होती है, ठीक है, और वो फ्रूट्स कौन से हैं, क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स। कैसे फ्रूट्स है बेटा, क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल, बनाना। अब क्वेश्चन आता है कि क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स क्या होते हैं बेटा, क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स होते हैं, फ्लैशी फ्रूट होते हैं जिनके अंदर जब राइपनिंग होती है तो रेस्पिरेशन की रेट एकदम से बढ़ जाती है, तो इसलिए इसको हम रेस्पिरेशन क्लाइमैक्टिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन क्लाइमैक्टिक, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। क्लाइमैक्टिक फ्रूट कौन से फ्रूट है, जिनमें जब फ्रूट राइपनिंग होती है तो उस दौरान रेस्पिरेशन रेट एकदम से एनहांस हो जाता है, उनको हम कहते हैं रेस्पिरेशन क्लाइमैक्टिक, ठीक है। मूवमेंट की अगर हम बात करें तो जो ये जो मूवमेंट करता है ये भी बेटा डिफ्यूजन के द्वारा मूवमेंट करता है, ये किसके द्वारा मूवमेंट करता है, डिफ्यूजन के द्वारा मूवमेंट करता है। अब हम बात करते हैं इथाइलिन के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो इथाइलिन में सबसे पहला फंक्शन आता है इसका ट्रिपल रिस्पॉन्स, ट्रिपल मतलब 3 रिस्पॉन्स इसके आते हैं, कौन कौन से, एक तो ये ट्रांसवर्स ग्रोथ को प्रमोट करता है, बेटा ध्यान से सुना, जिब्रेलिन जो था वो इंटरनोडल डिस्टेंस को बढ़ा रहा था, ठीक है, लेंथ को बढ़ा रहा था, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को तो इनहिबिट करता है लेकिन ट्रांसवर्स ग्रोथ को प्रमोट करता है। ध्यान से देखना, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को इनहिबिट करता है लेकिन ट्रांसवर्स ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है, साथ में स्वेलिंग कॉज कराता है, क्या कॉज कराता है, स्वेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है सेनेसेंस एंड एब्सिसिल में। तो लीव्स एंड फ्लावर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये इनके अंदर सेनेसेंस और एब्सिसिल को प्रमोट करता है, क्या करता है, इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिसिल इन लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, एक्चुअल में ये क्या करता है, जब फ्रूट्स के अंदर भी एब्सिसिन को बढ़ाते हैं, अगर ये एब्सिसिन को
एक्सलरेट कर दे, बढ़ा दे, किसके अंदर बेटा? फ्रूट्स के अंदर। तो उससे क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। उसको हम कहते हैं एब्सिसिन। क्या है बेटा? वो लेयर है जो सेनेसेंट पार्ट को प्लांट से सेपरेट करती है, ताकि उससे थोड़ी देर के बाद वो पार्ट जो है वो प्लांट से सेपरेट हो जाता है, ठीक है? तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब अगर फ्रूट्स में ऐसा होना लग जाता है तो वो किस लिए कराया जाता है? आर्टिफिशियली कराया जाता है। क्यों? फॉर द थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। इनके केस में क्या होता है बेटा, प्लांट पे फ्रूट्स की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, तो एक फ्रूट को जो प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो हम इथाइलिन को स्प्रे कर देते हैं। तो इथाइलिन क्या करता है? फ्रूट के अंदर एब्सिसिन को बढ़ा देगा, तो इसलिए फ्रूट जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो फ्रूट बचेंगे उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान रखना है। इसको हम कहते हैं थिनिंग करना। क्या करना बेटा? थिनिंग करना, ठीक है? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी में हमने बताया ही था जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन की तरह ये भी सीड एंड बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। दैट मीन्स ये किसके एंटागोनिस्ट एक्ट करता है बेटा? एब्सिसिक एसिड की, क्योंकि एब्सिसिक एसिड जो है वो सीड और बड डॉर्मेंसी इंड्यूस कराता है और ये उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है? और इसका मेन फंक्शन जिसके लिए इसको जाना जाता है वो क्या है? फ्रूट राइपनिंग, ठीक है? तो दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्लैशी फ्रूट्स। फ्लैशी फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए मेन एसेंशियल होता है, इसके बिना फ्रूट में राइपनिंग नहीं होती है। और इवन डाइसेंस ऑफ ड्राई फ्रूट एंड डाइसेंस ऑफ ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स जो है उनके अंदर डाइसेंस कराता है और फ्लैशी फ्रूट में राइपनिंग कराता है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है? कॉमन कंपाउंड यूज फॉर ऑप्टेनिंग इथाइलिन। कमर्शियली ऐसा कौन सा केमिकल कंपाउंड है जिसको हम यूज करते हैं इथाइलिन को ऑप्टेन करने के लिए? तो वो कंपाउंड होता है बेटा एथिफोन। आपने कभी नोटिस किया हो जब हम मार्केट से, आजकल मैंगो का सीजन चला हुआ है, तो हम मार्केट से मैंगो लेके आते हैं तो उनके ऊपर कई बार ब्लैक कलर का एक पाउडर सा लगा हुआ होता है, तो वो पाउडर किसका होता है बेटा? एथिफोन का होता है। एथिफोन की जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डालेंगे, तो ये इथाइलीन गैस को प्रोड्यूस करता है। वॉलेटाइल होती है ना, गैसियस हार्मोन होता है, तो वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली इथाइलीन की प्रोडक्शन करता है। तो एथीफोन को हम कमर्शियली यूज करते हैं इथाइलीन की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है? अब आ जाओ एब्सिसिक एसिड हार्मोन। बेटा एब्सिसिक एसिड हार्मोन को ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है? ये तो हमें पता ही है। ये माइल्डली एसिडिक होता है। कैसा होता है? माइल्डली एसिडिक होता है। अगर हम इसके प्रिकर्सर की बात करें तो इसका प्रिकर्सर है मेवलोनिक एसिड। इसका प्रिकर्सर क्या है? मेवलोनिक एसिड और जेंथोफिल। ठीक है, इसका प्रिकर्सर क्या है? मेवलोनिक एसिड और जेंथोफिल, ठीक है? साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करें तो इट इज मोस्ट अबेंडेंट इनसाइड द लीव्स क्लोरोप्लास्ट, इनसाइड द लीव्स क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन सेल्स। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि आगे हम फंक्शन में बात करेंगे कि एक तो ये डॉर्मेंसी इंड्यूस कराता है, और डॉर्मेंसी एक ऐसा फिनोमिना होता है जो अनफेवरेबल कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए किया जाता है। तो दैट मीन्स इट ओवरकम स्ट्रेस कंडीशन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा? स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे इसकी मूवमेंट को लेकर के कि ये कैसे मूवमेंट करता है। तो इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स थ्रू डिफ्यूजन,
एक तो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और इवन इट कैन ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम चैनल्स, दोनों के दोनों चैनल्स के थ्रू भी ये क्या हो सकता है बेटा, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब आते हैं इसके फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन आता है कंट्रोलिंग ग्रोथ। तो वैसे ही हम इसको कह चुके हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हॉर्मोन। तो ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हॉर्मोन। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, जो ग्रोथ प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स है, ग्रोथ प्रोमोटिंग जो हॉर्मोन्स है, जो हमने पढ़े ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इट चेक द एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग हॉर्मोन। उनकी ग्रोथ को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, चेक करेगा, रोकेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है चेक एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन। अगर वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो प्लांट के पास क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेसफुल कंडीशंस आ जाएंगी। तो उस केस में भी प्लांट क्या करता है, एब्सेसिक एसिड की सिंथेसिस कराता है, और एब्सेसिक एसिड क्या करता है बेटा, उसके स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। स्टोमेटा को क्या कर देगा, क्लोज। और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपीरेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह एक्ट करता है। एब्सेसिक एसिड किसका काम करता है, एंटी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ट्रांसपीरेशन रेट को क्या करता है बेटा, कम करता है। ठीक है, तो ये से ध्यान रखना। तो यहां पर भी क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशन जो क्रिएट हो रही थी एक्सेसिव वाटर लॉस की वजह से, ये इसको कंट्रोल करता है, उसको प्रिवेंट करता है, तो इसकी वजह से इसको स्ट्रेस हॉर्मोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डॉर्मेंसी। ठीक है, इसके नाम से इसका एक हॉर्मोन भी स्टार्टिंग में डिस्कवर हुआ था, डॉर्मिन। तो ये हमने पहले ही कह चुके हैं कि ये क्या करता है बेटा, बर्ड एंड सीड्स में डॉर्मेंसी को इंड्यूस कराता है। अब डॉर्मेंसी क्या होती है, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि डॉर्मेंसी क्या है बेटा, कि जो सेल है वो लिविंग तो रहेगी लेकिन मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव हो जाएगी, ताकि वो उस अनफेवरेबल पीरियड को सरवाइव कर जाए, और जैसे ही फेवरेबल पीरियड आए वो डोरमेंट स्टेज से बाहर आ जाए और फिर से जर्मिनेट कर जाए। तो इस एक्शन में एब्सेसिक एसिड किस किस के अगेंस्ट काम कर रहा है, जिब्रेलिन के, ठीक है, साइटोकाइनिन के एंड इथाइलिन के। ये तीनों के तीनों हॉर्मोन किसके एंटागोनिस्ट हैं, एब्सेसिक एसिड के। क्यों, क्योंकि ये तो डॉर्मेंसी इंड्यूस करता है, वो डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है विल्टिंग। विल्टिंग क्या होती है बेटा, एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन लॉस हो जाए तो उसमें जो वाटर के डेफिशिएंसी के जो साइन होते हैं उनको हम कहते हैं विल्टिंग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्या करता है, विल्टिंग, सेनेसेंस एंड एब्सेसेंस। तो विल्टिंग और सेनेसेंस को प्रोमोट करता है, ये इवन एब्सेसन भी कराता है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में, ये चीज ध्यान रखना। हालांकि जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो ये स्टोमेटा को क्लोज भी कर देता है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, विल्टिंग भी कराता है, इट प्रोमोट विल्टिंग लीव्स के केस में एंड सेनेसेंस ऑफ लीव। और इवन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में एब्सेसन भी कराता है, क्या कराता है, एब्सेसन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन पढ़ना, आगे हम फोटो पीरियड्स में पढ़ेंगे शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट पीरियड इनका क्रिटिकल होता है, तो डे लेंथ इनको क्या चाहिए होती है, कम चाहिए होती है। लेकिन ये प्लांट तब तक फ्लावरिंग नहीं करते हैं जब तक कि इनको शॉर्ट डे कंडीशंस नहीं मिलती है, या हम ये कहते हैं लॉन्ग नाइट कंडीशंस नहीं मिलती है। तो उसका अल्टरनेट क्या होता है कि हम उसको एब्सेसिक एसिड हार्मोन दे दें। तो एब्सेसिक एसिड अगर हम इसको हार्मोन दे देंगे तो ये भी क्या करा देगा, इनमें फ्लावरिंग को प्रोमोट करा देगा। जैसे जिप्रेलिन हम दे रहे थे लॉन्ग डे प्लांट के केस में अल्टरनेटिव के तौर पर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना, ये किसके केस में काम आता है, शॉर्ट डे प्लांट्स में। अब इन सारे फंक्शंस को देख करके हमने क्या देखा कि आपका एब्सेसिक एसिड कैसा हार्मोन है,
ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, और इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एक फंक्शन और इसका देख लेना कि ये सीड जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करता है। ग्रोथ इनहिबिटिंग में किसको इनहिबिट करता है, सीड जर्मिनेशन को भी क्या करता है बेटा, इनहिबिट करता है। और इस फंक्शन में ये जिप्रेलिन के एंटागोनिस्ट एक्ट करता है, क्योंकि जिप्रेलिन क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है और ये क्या करता है बेटा, इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये था आपका हार्मोन वाला पार्ट, इसको अच्छे से रिवाइज करना। थैंक यू बेटा।